सी डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट इन कॉम्पिटेटिव एग्जाम, ये पार्ट फाइव है। इसमें कुछ बिट्स दिया गया है, इसका आउटपुट देखते हैं। देखिए यहाँ एक कॉन्स्टेंट बनाए हम लोग, हैज़ डिफाइंड सी जीरो, तो ये कॉन्स्टेंट बन गया। सी का वैल्यू, सी को आप कहीं भी प्रोग्राम में यूज़ करो, जीरो सब्स्टिट्यूट होगा, सी का वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ देखेंगे ये फॉल्स होगा या ट्रू होगा, तो सी में तो जीरो है, तो सी में जीरो, ये लाइन का कोई यहाँ जरूरी नहीं था, सॉरी ये हटा दे रहा हूँ। तो प्लस प्लस सी, तो प्लस प्लस सी हम लोग समझेंगे क्या, सी में जीरो है तो वन हो जाएगा, तो वन ट्रू वैल्यू होता है, तो यहाँ ट्रू प्रिंट हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है कि कंपाइल टाइम एरर होता है, कि हैज़ डिफाइंड, जो कांस्टेंट हम क्रिएट करते हैं हैज़ डिफाइंड सी, उसे हम आल्टर नहीं कर सकते हैं प्रोग्राम के अंदर, उसके कारण ये हुआ कंपाइल टाइम एरर। और उसके बाद दूसरा बिट हम देखते हैं, क्या ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, तो जीरो तो फॉल्स वैल्यू है, तो ये तो ये फॉल्स हो जाएगा, तो जीरो के अलावा कुछ भी रहता तो ट्रू होता था, जीरो फॉल्स वैल्यू है, तो फॉल्स होने पे एक्चुअली ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए, फिर भी ये एग्जीक्यूट होगा क्योंकि इफ स्टेटमेंट यहीं खत्म कर दिया। यहाँ सेमीकोलन देने से कुछ एरर नहीं आएगा, ये एक अलग स्टेटमेंट हो जाएगा, ये अलग स्टेटमेंट हो जाएगा, ये फॉल्स होने से ट्रू होने से कोई मतलब नहीं है, ट्रू तो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ट्रू एग्जीक्यूट हो गया। और उसके बाद तो दूसरा बिट देखते हैं, ये तो कंपाइल टाइम एरर है, क्योंकि इफ स्टेटमेंट जब एंड कर देते हो तो इफ स्टेटमेंट एंड हो गया तो एल्स को रहने का कोई चांस नहीं है, इसे सेमी कोलन लग गया मतलब इफ ही यहीं एंड हो गया, बिना इफ का आप एल्स लगा दिए तो क्या हुआ, तो ये तो कंपाइल टाइम एरर हो गया। एल्स इफ के बाहर नहीं लगा सकते हैं, इफ एल्स मिला के ऐसा लगे कि एक ही स्टेटमेंट है वो, तो ये तो कंपाइल टाइम एरर हो गया। और उसके बाद अब ये देखते हैं इसका क्या होता है, माइनस वन, माइनस वन हो जाए या प्लस वन हो जाए वो तो ट्रू होगा, तो जीरो के अलावा कुछ भी हो वो तो ट्रू ही रहेगा, तो इसका ये ट्रू वन बोल के प्रिंट होगा। यहां तो जो लिखे हैं वही प्रिंट होगा ट्रू वन। अब देखिए ये माइनस वन, माइनस वन है ना मेमोरी में ऐसा स्टोर होता है, एक बार याद रखना, क्योंकि माइनस वन माइनस वैल्यूज जब मेमोरी में स्टोर होते हैं तो वो टूस कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट होकर स्टोर होते हैं। जनरली वन कैसा रहता है, पूरे जीरोस होंगे और लास्ट में यहाँ वन होगा, पूरे जीरोस होंगे, ये वन की बात, ये जस्ट वन की बात है। माइनस वन क्या होता है, उसका टूस कॉम्प्लीमेंट करके देख लीजिए ना, वन का बाइनरी पहले लिख लीजिए, उसका टूस कॉम्प्लीमेंट आप करके देखो, ऐसा आ जाएगा, ऐसा आ जाए, माइनस वन का वैल्यू इतना ऐसा रहता है, पूरे वंस हो जाते हैं मेमोरी के अंदर, ये समझो इंटीजर दो बाइट का है। अब ये इसे कॉम्प्लीमेंट कर दिए, कॉम्प्लीमेंट कर देने का मतलब क्या, पूरा जीरो कर दिया, तो पूरा जीरो, वो कुछ भी होता तो चलता था मगर जीरो हुआ तो फॉल्स हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू समझो यहाँ जीरो है, तो ये प्रिंट नहीं होगा, ये ट्रू होने से ये प्रिंट हो गया, ये फॉल्स होने से इसको प्रिंट नहीं करेगा, तो तुम्हारा आउटपुट यही है। थैंक यू।